नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीति कला में। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई पुराना इस तरीके से टेबल हो तो आप उसको किस तरीके से कपड़े से कवर कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा बना सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस जो ये हमारे पास टेबल है, स्टूल है, जो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें देखनी होती है। आप देखोगे ऊपर से जैसे कितना खुरदुरा है और किस तरीके का है, इसको हम ऊपर की साइड पूरा कपड़ा चढ़ाएंगे और उस कपड़े में डिजाइनिंग बनाएंगे और साइडों में नीचे तक इसको कवर करेंगे, चारों साइड से कवर करेंगे, ताकि ये हम कहीं किसी भी पॉइंट पे कमरे में या बाहर कहीं पे भी इसको रख सकते हैं और बहुत ही सुंदर इसको बना करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे ये हमारा 16 इंच का है इस तरीके से, और इस साइड से देखेंगे तो 16x16 का हमारा इसका साइज है, 16 इंच वाला। अब हम लेंथ की बात देखते हैं, तो जो लेंथ आएगी हमारी यहाँ से ऊपर से जो लेंथ देखेंगे तो हमारी तकरीबन यहाँ पे 19 से 19.5 इंच तक लेंथ होगी, तो 19 इंच हम तैयार रखेंगे। और इसकी यहाँ पे तो ये हमारा 16 इंच का, तो ऊपर की 16x16 का ये तैयार आ जाता है और 19 इंच की इसकी लेंथ होती है। अब हमें कटिंग टेबल के ऊपर चलना है और सीखना है इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम सामान के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या हमने मटेरियल लिया है। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी तो ये वाली ली है, ये हमने फ्रिल के लिए लिया है कपड़ा। इसकी जो चौड़ाई होगी हमारी यहाँ पे, जो लेंथ में ऐसे लंबाई मापेंगे तो ये 20 इंच की है, 20 से 30 इंच। और जो इस तरीके से पूरी राउंड शेप में जो आनी है, तो ये हमारी दो पट्टियां हैं जो कि हम जोड़ लगा के इनको एक बना लेंगे। ये हमारी 120 इंच की है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 30 इंच है, लेकिन ये टोटल हमारी चार पीस है, तो यहाँ पे ऐसे हैं ये, तो हमारे पूरे राउंड में 120 इंच की है, जो कि हम छोटी छोटी चुन्नटे डाल के इसको पूरे में कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे दो पीस हो जाते हैं, एक हमारा ऊपर के लिए हो जाता है ये वाला। तो दोस्तों जो हमने टेबल का नाप लिया है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। जो हमारा ऊपर वाला यहाँ पे ये एरिया आएगा, ये हमारा 16x16 का आएगा, और जो हम फ्रिल तैयार करेंगे वो करेंगे 19 इंच की, जो कि हमारी चारों साइड में अटैच होगी। तो हमने उसके लिए जो कपड़ा लेना है, जो फ्रिल की लेंथ लेनी है वो हमारी होनी चाहिए 20 इंच की, और जो इस तरीके से हमने जो कपड़ा लिया है पूरे में जो चारों साइड आएगा यहाँ पे, वो हमने 120 इंच का लिया है, ताकि उसमें हम चुन्नटे डालते हुए पूरे को कवर कर पाए। और जो सेंटर वाला यहाँ पे ये पीस है, जो हमने 16x16 का यहाँ पे तैयार करना है, ये हमने यहाँ पे ये वाला लिया है, ये अभी फिलहाल ज्यादा है क्योंकि हमने डिजाइन डालना है। ये है हमारा 19x19 का पीस, और इसमें हमने 19x19 का जो पीस है ये ऊपर की साइड मेन फैब्रिक रहेगा, बीच में हमारे फोम रहेगी और नीचे हमारा अस्तर रहेगा, इस तरीके से रखना है। और चारों साइड की फ्रिल का जो कपड़ा, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमने ये इस तरीके से लिया हुआ है, पूरा फैब्रिक होगा, ये एक पट्टी हमने ऐसे ली हुई है, इसकी जो यहाँ पे लेंथ है हमारी 20 इंच की ऐसे आएगी, और यहाँ पे हमने दो पट्टी जो ली है, एक ये ली है और एक ये, तो ये हमारी 120 इंच की आएंगी टोटल, मतलब 3 मीटर की पट्टी है ये इस तरीके से, जो कि हमें चारों साइड में लगानी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको तो हम लास्ट में लगाते हैं, पहले ये डिजाइनर पीस तैयार करते हैं, जो कि हमें ऊपर की साइड तैयार करना है। इसमें हमने जो तीनों चीज ली हुई है यहाँ पे, ऊपर मेन फैब्रिक, बीच में फोम और नीचे अस्तर, इनको हम चारों साइड से इस तरीके से सिलाई से अटैच कर लेते हैं। चारों साइड दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, तो ये हमारा अस्तर और फोम ज्वाइंट हो जाती है। अब हमें इसमें डिजाइनिंग डालनी है, तो यहाँ पे जो हमारा स्केल है, हम यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से सिलाई, इस तरीके से निशान लगाएंगे सेंटर पॉइंट में, और इसका बराबर गैप रखेंगे तकरीबन 1.5 इंच का। अगर आप कम ज्यादा रखना चाहें तो कम ज्यादा भी यहाँ पे रख सकते हो। इसी तरीके से हम इस साइड में निशान लगाएंगे,
यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं, अब हमें इसके ऊपर काम करना है। तो जितने भी हमने निशान लगाए हैं सभी के ऊपर हम सिलाई का काम करेंगे। हम किसी भी एक निशान को लेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तीन सिलाई मैंने यहाँ पे लगाई हैं, बाकी के सभी निशानों के ऊपर इसी तरीके से सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है एक साइड की। अब हम दूसरी साइड भी पहले निशान लगाएंगे, तो इस तरीके से लगाएंगे क्रॉस में ही पूरे सब, जैसे हमने पहले निशान लगाए थे। तो पहले यहाँ पे हम निशान कंप्लीट करेंगे और फिर उनके ऊपर सिलाई कंप्लीट करेंगे, तो हमारा बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन जाएगा टेबल की जो ऊपर की सतह होती है उसके लिए। तो यहाँ पे हम ऐसे ही निशान कंप्लीट करते हैं फिर इनके ऊपर सिलाई लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने निशान लगाते हुए दूसरी साइड भी सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब जब हम साइज की बात करें तो साइज हमारा यहाँ पे 17.5x17.5 का साइज तैयार आ जाएगा ये वाला। अब हमें इसके चारों साइड में पट्टी लगानी है फ्रिल वाली। तो जो हमने यहाँ पे ये पट्टी कटिंग की हुई है ये हमें यहाँ पे अटैच करनी है। तो सबसे पहले हमें एक साइड से इसको तैयार करना होगा। जैसे ये दो पट्टी थी तो मैंने बीच में यहाँ पे जोड़ लगा लिया है, इसकी एक बना ली है। ये इसकी अब फुल लेंथ जो होगी 120 इंच की होगी, जो कि हमें फ्रिल बनाने के बाद यहाँ पे पूरी कवर करनी है। तो यहाँ पे एक एक साइड से इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि एक हिस्सा हमें यहाँ पे ओपन रखना है ताकि हम टेबल के जो नीचे का स्पेस होता है उसमें कोई भी सामान रख सके। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे पहले। एक साइड से ऐसे फोल्ड कर ली है तो अब हम दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। ये काफी लंबाई वाली पट्टी है क्योंकि फ्रिल यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी आएगी, तो इसको भी हम यहाँ पे सेम ऐसे ही दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। अब दोस्तों हमने जैसे दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, अब हमें यहाँ पे इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, एक सेंटर पॉइंट बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में लगाएंगे निशान और इसी पॉइंट से हमें यहाँ पे ये अटैच करना है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ये कन्नी वाला हिस्सा नीचे रह जाएगा और यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस पॉइंट से 1 इंच इधर हम रखते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहां से प्लेटें डालने की शुरुआत करेंगे। प्लेटें हम हल्की हल्की डालेंगे, ज्यादा हैवी प्लेट नहीं डालनी है।
यहां से हम इस तरीके से घुमा देंगे इसको, और यहां पे भी प्लेट डालने का सेम तरीका होता है। जो कॉर्नर आते हैं वहां पे थोड़ी सी हैवी आपने प्लेट डालनी है, नॉर्मल से थोड़ी हैवी। तरीके से यहाँ पे हमने कुछ एरिया में ये प्लेट डाली है जो कि यहाँ पे पलटने के बाद ऐसे आएंगी हमारी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट तक प्लेट डाल लेता हूँ, ऐसे डालते हुए इस पॉइंट पे आ जाते हैं ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। फिर यहाँ से मैं आगे की साइड आपको प्लेट डाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों फ्रिल लगाते हुए हम उसी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से हमने स्टार्ट की थी, और यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही प्यारी से यहां तक की हमारी फ्रिल ये लगाई है हमने ऐसे। तो यहां पे जब हम कंप्लीट करेंगे तो एक इंच हमारा इस जहां से हमने शुरुआत की थी इसके ऊपर आना चाहिए एक इंच का पीस ऐसे इस तरीके से। तो यहां पे ये वाली चुनटे डालते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये पूरी फ्रिल कंप्लीट हो चुकी है चारों साइड की। अब दोस्तों हम ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से, किनारी की सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी सभी प्लेटें यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो दोस्तों किनारी की हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको टेबल के ऊपर अच्छे से सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कितना प्यारा सा हमने यहाँ पे कवर तैयार किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने टेबल के ऊपर इसको अच्छे से सेट कर दिया है, आप देख पा रहे हो, और बहुत ही प्यारी से हमने यहाँ पे सेव आपको बना करके दिखाई है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमने हल्का ओपन रखा है ताकि इसमें हम अंदर की साइड यहाँ पे कुछ सामान भी रख सकते हैं। इस तरीके से ये वाली चीज हमने ओपन रखी है, और यहाँ पे पूरा हमने टेबल का कवर यहाँ पे तैयार करके आपको दिखाया है। बहुत ही प्यारी सी डिजाइनिंग है दोस्तों। टेबल बड़ा हो या छोटा, इस तरीके से आप किसी भी टेबल का यहाँ पे कवर बना सकते हो, जैसे मैंने आज आपको बना करके दिखाया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।